अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो मेरा व्लॉग होने वाला है वो है हाईटेक यूनिवर्सिटी के ऊपर, और सामने जो आप देख रहे हैं वो है हमारी यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस गेट। मैं अपना आईडी कार्ड ले लेता हूँ। तो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होते हैं और आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी यूनिवर्सिटी विजिट कराऊँ, क्योंकि आज हमारी क्लासेस कम हैं। तो वेलकम टू हाईटेक यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, तो हम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं। सामने जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं वो हैं हमारे डिपार्टमेंट, और ये हमारी यूनिवर्सिटी की मस्जिद है। अभी आपको क्लोजली विज़िट कराता हूँ, और अभी हम जिस जगह से गुजर रहे हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी का सारा पार्किंग एरिया है। अच्छा जी, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी है सामने, और अंदर से भी आप लोगों को डिपार्टमेंट भी विज़िट कराऊंगा। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ अपने बाइक स्टैंड, जहाँ पर मैं खुद भी क्योंकि बाइक पर आता हूँ, तो सामने ही वहाँ पर हम अपने बाइक्स खड़े करते हैं और उधर से ही यूनिवर्सिटी एंटर हो जाते हैं। आज क्योंकि मैंने आप लोगों को विज़िट कराना था तो सोचा मेन गेट से एंटर होते हैं। वैसे हम लोगों के पास ये बाइक का पास होता है और हम इसी के थ्रू यूनिवर्सिटी एंटर हो जाते हैं, बाइक्स खड़े करते हैं वहाँ पर। अच्छा जी, अब आप लोगों को अपनी मस्जिद दिखाता हूँ, और ये हमारी मस्जिद के एरिया है जहाँ पर नीचे बच्चों को हिफ्ज़ कराया जाता है। वहाँ आगे हमारी लाइब्रेरी है और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मस्जिद है। इसके अलावा लड़कियों के लिए अलहदा एक जगह है जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ सकती हैं। अभी लाइब्रेरी लेकर चलता हूँ आपको, और अगर वो ओपन हुई तो आपको अंदर से भी विज़िट कराते हैं। सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, और साथ ही जो है ये हमारा इस ब्लॉक का नाम असरार ब्लॉक है। यहाँ पर हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अभी आप लोगों को लाइब्रेरी की तरफ लेके चलता हूँ और अंदर से लाइब्रेरी विज़िट कराता हूँ, अगर लाइब्रेरी ओपन है तो। जी, ये है हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो कि इस वक्त बंद है। खैर, आगे चलते हैं। तो सामने जो अब आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो है हाईटेक स्कूल। ये प्री स्कूल है, साथ स्कूल और कॉलेज है। और उस तरफ जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं वो सामने वहाँ पर लड़कों के लिए एक हॉस्टल है, प्लस दूसरी तरफ जो है लड़कों का कॉलेज है। इस एरिया को इंशाल्लाह एक और ब्लॉग बनाऊँगा, उसमें कवर करूँगा। आज का जो ब्लॉग है वो सारा यूनिवर्सिटी के ऊपर होगा। तो अभी यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं और आप लोगों को यूनिवर्सिटी विज़िट कराते हैं, और इंशाल्लाह ये वाला जो एरिया एक और ब्लॉग में आप लोगों को विज़िट कराऊंगा। अच्छा, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये है हमारी यूनिवर्सिटी का दुनिया चौक। हमने इसका नाम दुनिया चौक रखा हुआ, और वो सामने हमारा ब्लॉक जो है इसरार ब्लॉक है, और ये हमारी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। यहाँ पर हमारे एडमिशन से रिलेटेड सारे काम होते हैं। देन वी हैव उस तरफ जो आपको वो गेट नज़र आ रहा है वो हमारा ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का, और स्पोर्ट्स इवेंट हमारे सारे वहाँ पर ही होते हैं। और वो जो बिल्डिंग है वो हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। बसेज आ चुकी हैं और अब स्टूडेंट भी यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे हैं। अब सही रश बनेगा। हेलो।
कहाँ पर रहे हैं जी? नीचे मैकेनिकल, ऊपर इलेक्ट्रिकल और उससे ऊपर हमारे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट। अभी आगे चलते हैं। वो मेरा दोस्त है, इसका नाम अब्दुल्ला है। लॉगिंग कैसे हैं अब्दुल्ला? मैं ठीक ठाक, आप सुनो? मैं भी ठीक, अल्लाह शुक्र। कैसा जा रहा है यूनिवर्सिटी लाइफ? चल फोन पे बात कर ले तू। अच्छा हाँ, तो जैसे मैं पहले बता रहा था, नीचे मैकेनिकल वालों का डिपार्टमेंट है, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर वालों और कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट, मेरा डिपार्टमेंट। अंदर से आप लोगों को विज़िट कराएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कैफ़े। तो आपको सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है रूमी ब्लॉक, वहाँ पर हमारा कैफेटेरिया है। और हमारे यहाँ पे दो कैफेटेरियाज हैं, एक नीचे और देन सेकंड फ्लोर पर, और सबसे ऊपर जो रूमी ब्लॉक है उसमें है हमारे बीबीए का डिपार्टमेंट। तो जी ये है हमारा रूमी ब्लॉक, और सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है क्या हमारी सर सैयद ब्लॉक। अभी कैफेटेरिया चलते हैं और अंदर से आपको अपना कैफेटेरिया जो है उसको विज़िट कराते हैं। ऊपर वाले कैफ़े में भी जाएंगे, देन सबसे ऊपर हमारा बीबीए का डिपार्टमेंट है उसको भी विज़िट करेंगे। सेम ये है ना कि मुझे एक बंदा चाहिए था साथ, क्योंकि अकेले बोर हो रहा था। तो अभी इनकी थोड़ी सी पेट पूजा कराइए ताकि ये मेरे साथ चल सकें, क्योंकि ये बंदा बहुत थकता है। 6.5 hours later. जो आपको वो गेट नज़र आ रहा है वो हमारा ग्राउंड है यूनिवर्सिटी का, और स्पोर्ट्स इवेंट हमारे सारे वहाँ पर ही होते हैं, और वो जो बिल्डिंग है वो हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। अच्छा जी, अब आपको रूमी ब्लॉक के बैक साइड पर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि इसकी बैक साइड पर क्या क्या है। अब
अच्छा जी, तो ये है यहाँ पर हमारी पिज़्ज़ा शॉप, यहाँ से आपको फास्ट फूड मिल जाएगा। और इसके अलावा साथ ही है हमारी प्रिंट शॉप, यहाँ से हम अपनी असाइनमेंट्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं। चलो अब्दुल्ला, अब हम हॉस्टल की तरफ चलते हैं और आपको हॉस्टल और अपना यूनिवर्सिटी का ग्राउंड दिखाते हैं। एक तो ये सामने ग्राउंड है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के जो मेन इवेंट्स यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह के होते हैं वो हमारे चिना हॉस्टल के सामने, अभी आपको वो विज़िट कराते हैं। सो लेट्स गो देयर। अच्छा अब्दुल्ला बता, अगर नए बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें तो क्या एडवाइस देना चाहिएगा? बच्चों को ये है कि भाई बेसिकली मोस्टली हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर बस डाइट ले लेते हैं, हमने तो सबक सीख लिया है। तो न्यू बच्चों को एडवाइस है कि वो भी ज़रा फर्स्ट सेमेस्टर है तो पहले सेमेस्टर में जीपीए उठा लें, पहले कुछ आगे अच्छा जीपीए मेंटेन कर सकेंगे। और हाईटेक आना चाहिए उन्हें या नहीं? सब यूनिवर्सिटी अच्छी है, हाईटेक भी अच्छी है, ज़रूर आएँ, बस ध्यान से ध्यान से मतलब पढ़ें पहले सेमेस्टर से। बिल्कुल भाई पढ़ना है, आपने पढ़ना है, पटना नहीं है पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे आखिरी दिन अगर पेपर से एक दिन रात पहले आप पढ़ लेंगे तो ऐसा मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में होता है कि हम आए होते हैं नए नए कॉलेज से, तो हमें लगता है कॉलेज की तरह दो दिन पहले या रात पहले पढ़ लेंगे तो हो जाएगी तैयारी। यूनिवर्सिटी की रंगीनियाँ भी होती हैं जो बंदा इंजॉय कर रहा होता है। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, तो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है हमारा जिना हॉस्टल। अभी जिना हॉस्टल चलते हैं और आपको अपनी यूनिवर्सिटी का ग्राउंड जो है वो दिखाते हैं। अच्छा जी, तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल और ये हमारा ग्राउंड है, इसके सामने नीचे चलते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और कुछ वहाँ पर खेल रहे हैं, आज फ्री डे था तो सभी इंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज़ अवर जिना हॉस्टल। अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि हमें हॉस्टल के बच्चे नहीं हैं। तो आप यूनिवर्सिटी अगर आए तो आप इसी हॉस्टल के नीचे एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से आप आराम से कोई भी फुटबॉल या वॉलीबॉल अपने जो खेल रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं या रैकेट चढ़ इशू करवा सकते हैं। अब चलते हैं अपने डिपार्टमेंट के सामने वाली जगह पर और आप लोगों को अपना डिपार्टमेंट जो है वो भी अंदर से विज़िट कराते हैं। इतना ऊपर कौन चले, दरमियान से चलते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को पार्क लेके जाया जाए, आज बच्चे नहीं आए हुए तो यहाँ पर हम लोग थोड़े से झूले लेते हैं। पीछे अब्दुल्ला ने गाने लगाए हैं, उसने अपने ही माहौल बनाया हुआ। खैर ये है तो स्कूल का प्लेग्राउंड, लेकिन यू नो यूनिवर्सिटी बॉय हम लोग जा सकते हैं, किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। चलो अब्दुल्ला जाओ, शाबाश, झूले लो, इन्जॉय करो। अब्दुल्ला वैसे डर तो किसी का नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने आज एक सिक्योरिटी वाले जो बाइक में घूम देते हैं, लेकिन कोई एंजॉय करते हैं। शाबाश शाबाश, ठीक है ठीक है, लड़को मैं भी लटकता हूँ नीचे उतरा था। अच्छा अब्दुल्ला ये मोबाइल पर पकड़ के जाओ, मैं भी जाके देखता हूँ। अब्दुल्ला उस वाले पे जा, उस लाइट को ले, बैग ठीक है, बैग इधर ही है यार, कुछ नहीं था, भाग के जा। जा।
Hey guys. Yes. बस यार मेरा यही दिल है व्लॉगिंग के थ्रू ना बच्चों को इंस्पायर करूं कि देखो यार कितना अच्छा है हमारा हाईटेक, ताकि बच्चे आए यहाँ पे ना रौन के सजें, खाली खाली जो जगह है ना ये भर जाए। अभी हम तो फर्स्ट सेमेस्टर के, चला चलते हैं, सिक्योरिटी वाले आ गए बाइक पे, चल चल चल। अच्छा ठीक, तो अभी पार्क से भी हमने घूम लिया, अब आपको लेके चलते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, डिपार्टमेंट जितने भी हैं ना वो आपको विजिट कराते हैं अंदर से। चलो जी, अच्छा जी तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी का बास्केटबॉल कोर्ट। अच्छा अब्दुल्ला, यस, ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हो जाए ना कभी इसके पास आके नहीं बैठना, क्यों सर? लगे या ना लगे आपको कोई सर आके जरूर लगेगा कि बेटा उठ जाओ। चलो अंदर, कौन कौन से डिपार्टमेंट? अरे मास्क है, मास्क है, क्या मास्क है? ये नहीं आने, चलना मास्क है। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की लैब। और ये हमारा ऑडिटोरियम है, चेक करते हैं ओपन है या नहीं, आपको अंदर से दिखाते हैं। लॉक्ड है ऑडिटोरियम, ही लॉक्ड है। आगे तो और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, तो एक तो हमारा ये वाला ऑडिटोरियम है, इकबाल ऑडिटोरियम, इसी तरह का एक और ऑडिटोरियम है जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर है, और वो है हमारा नुसरत ऑडिटोरियम, और वो इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा। और यहाँ पर है हमारा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और सिविल इंजीनियरिंग। अब्दुल्ला, अरे अब्दुल्ला, इसको साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा जी, तो वो है सामने हमारा नुसरत ऑडिटोरियम, अभी अंदर से देखते हैं इसको। इस तरफ हमारे पास लैब्स हैं हमारी और कुछ, जैसे कि हाइड्रोलिक लैब,
से हमारी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़िट गेट है वो नज़र आता है। सामने वो हमारा एग्ज़िट गेट है और वो आपको सामने ट्रेन ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ से तकरीबन हर घंटे बाद ही कोई ट्रेन गुजरती होती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई ट्रेन गुजरी है तो उसकी वीडियो कैप्चर करूँ और आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करूँ। अभी चलते हैं, देखते हैं ऑडिटोरियम जो है वो खुला है या नहीं। मुझे लग रहा है कि वो बंद ही है, क्योंकि कोई फंक्शन वगैरह होता भी ये हॉल खुलता है, ज़्यादातर ये बंद ही रहता है। तो कोशिश करता हूँ आप लोगों को अंदर से अगर दिखा सकता तो दिखाऊँगा। ऑडिटोरियम तो लॉक्ड है, लेकिन ऐसे अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, नज़र आ रहा होगा। ये सामने स्टेज लगा हुआ है और ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड पर और कुछ भी नहीं है, बस एक ये ऑडिटोरियम है और वो लैब्स हैं उस तरफ। और इसकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर एक तो मैंने आप लोगों को वहाँ हॉस्टल दिखाया था, जिना हॉस्टल, और इसकी लेफ़्ट साइड पर ऑडिटोरियम के एक और बॉयज़ हॉस्टल है। अभी आप लोगों को वहाँ पे हमें जाना अलाउ तो नहीं है, लेकिन वो सारा हॉस्टल एरिया। उसके बाद ये आपको हमारा बास्केटबॉल कोर्ट नज़र आ रहा है, यहाँ से हम लोग आए थे। और अब सामने फाइनली हमारा डिपार्टमेंट रह गया, तो उसको विज़िट करते हैं और अपना ब्लॉग जो है उसको एंड करते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ और यहाँ से एंटर होते हैं। ओके जी, तो डिपार्टमेंट का ये जो पोर्शन है, जो ग्राउंड फ्लोर है, इस पर सारी मैकेनिकल डिपार्टमेंट है ये। और जो लेफ़्ट साइड है उस पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग रैकेट शटल खेलते होते हैं और ये हमारा रैकेट शटल का कोर्ट है। अभी बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। और इसी की राइट साइड पर अगर देखें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जितनी भी लैब हैं वो यहाँ पर परफॉर्म होती हैं। ये सारी लैब्स हैं इस तरफ। अभी हम लोग को एक छोटा सा काम है, कोऑर्डिनेटर ऑफिस अब्दुल्ला भाई का, तो अभी हम उधर जा रहे हैं। और अभी आप लोग अपना डिपार्टमेंट भी दिखाते हैं, तो ऊपर चलते हैं और विज़िट करते हैं। अब्दुल्ला को साथ रखना बहुत मुश्किल है, कसम से ये बहुत ज़्यादा ना स्लो बंदा है और हिलता नहीं। अब्दुल्ला जल्दी आओ, ऊपर नहीं जाना, क्या हुआ? One eternity later. बिल्कुल इन मोमेंट पर ट्रेन को कैप्चर कर लिया। अभी मैं घर की तरफ वापस जा रहा था, आज क्लासेस जो हैं लेट ख़त्म हुई हैं, तो अपना डिपार्टमेंट में तो नहीं दिखा सका, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को सारा हाईटेक जो मैं दिखाऊँ। सो दिस वॉज हाईटेक यूनिवर्सिटी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।